इस समय हम लोग एक ऐसी जगह पर हैं, नदी का बहाव का क्षेत्र। अभी चूंकि बरसात का समय नहीं है तो पानी आप पीछे देखेंगे बहुत कम है नदी में। पर्वतों के वैसे नदियों में जब पर्वतों से नदी निकलती है तो उसमें पानी का अमाउंट कम होता है, बट उसमें बहाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी आसपास में फैलता नहीं, सीधा नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से भागता है और सीधा प्लेन एरियाज में जाके फिर फैलता है। तो वहाँ पे नदी का जो पानी होता है उसका अमाउंट, उसका क्वांटिटी ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये जो तराई, जो नदी का बीच का भाग है, हम लोग बिल्कुल बीच में खड़े हैं। यहाँ जो पत्थर हैं उनके साइज़ छोटे हैं, यानी आप पीछे देख सकते हैं, ये पीछे ये पहाड़ है, ये साइड में पहाड़ है और पहाड़ से सटे हुए जंगल है, ये जंगल है और पीछे पूरे पहाड़ हैं, और इस पहाड़ के साइड से नदी निकल के आ रही है और नदी का नाम है महानंदा। और इस जगह का नाम है, एक अगर आप मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह का नाम है, ये जो पुल देख रहे हैं ये है रेलवे पुल। ये वो पुल है जो अलीपुरद्वार से रेल लाइन आती है सेवक रोड होते हुए, फिर जाके सिलीगुड़ी जंक्शन में मिल जाती है। तो इस जगह पर ये जो पुल बना हुआ है, रेलवे का पुल बना हुआ है, और आगे इसके स्टेशन है, इसके साइड में स्टेशन है। तो इस स्टेशन का नाम है गोलमा। तो गोलमा ही इस जगह का नाम है ओवरऑल। बाकी तो महानंदा नदी का ये बहाव क्षेत्र है, उसका बीच का क्षेत्र है। आप पत्थर देख सकते हैं, ये छोटे छोटे पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर, एक दो चार पत्थर आपको बीच बीच में बड़े मिलेंगे, बाकी पत्थरों के साइज़ बहुत छोटे हैं। इसका मतलब ये हुआ थोड़ा पहाड़ से दूरी है, क्योंकि जो बड़े पत्थर होते हैं वो पहाड़ों में या पहाड़ों के तलहटी पर ही जमा हो जाते हैं, वो आगे नहीं बहते, लेकिन छोटे पत्थर आगे बहते चले जाते हैं। जब बरसात के समय बहाव का जो वेग होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ होता है, तो उसके साथ में वो पत्थर आगे बह जाते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो जो पत्थर का साइज़ है, क्योंकि बड़े पत्थर रुक जाते हैं, छोटे पत्थर आगे बढ़ते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि केवल छोटे छोटे कंकड़ ही मिलेंगे आपको जो प्लेन एरियाज़ में, बाकी आपको वहाँ पत्थर नहीं मिलेंगे। ओवरऑल मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जगह एक बार पुनः खूबसूरत जगह पर है। आज का दिन हम लोग जो है लगातार पूरे दिन ही घूमते टहलते रहे, बरसात का मौसम था, पहली बारिश थी, सुबह ही निकले थे हम लोग, पहाड़ों के एरियाज में गए, रोहनी साइड में गए, फिर उसके बाद हम लोग अभी शाम के समय यहाँ पर इस जगह पर आए हुए हैं। इस जगह का नाम है गोलमा, पिकनिक प्लेस है। यहाँ पर रिजोर्ट्स बने हुए हैं, बहुत सारे रिजोर्ट्स बने हुए हैं स्टेशन के पीछे। अभी भी ये ग्रोइंग स्टेज पर है, सारे रिजोर्ट्स बिल्कुल नए हैं, लेकिन पब्लिक यहाँ पर ठीक ठाक संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में तो आपको नहीं दिखाई देगी, छिटपुट आपको दिखाई देगी। इस साइड में पब्लिक का जमावड़ा ज़्यादा है, पुल के साइड में वहाँ पर लोग हैं, अपना मस्ती कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। तो जगह हैं हम लोग एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ भी हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि यहाँ पर चल के थोड़ा सा समय बिताना चाहिए, प्रकृति को देखना चाहिए, प्रकृति के समीप जाना चाहिए, तो हम लोग आते हैं और आए भी हैं। तो खूबसूरत जगह है, खास बात यह है कि प्रकृति का खुलापन है, शुद्ध हवा है और प्रकृति की खूबसूरती है। यहाँ पर आपको पोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़, बहुत शोर शराबा, तंग व्यस्तता नहीं मिलेगी, आपको लगेगा कि यहाँ बहुत शांति है, सुकून है। प्रकृति के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से शांति सुकून, आपको सुख जरूर मिलेगा, और उसी की तलाश में हम लोग भटकते रहते हैं। जब भी मौका मिलता है तो हम लोग समय निकाल कर जाते हैं। इस साइड में आप देखेंगे जंगल है, ये सब जंगल का क्षेत्र है, और इसके पीछे ये पहाड़ी है, पहाड़, और पहाड़ स्टार्ट होते हैं तो फिर स्टार्ट होते हैं कहाँ ख़त्म होते हैं, चलते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, ऊंचाई उनकी बढ़ती जाती है। तो ये क्षेत्र है, बहाव का क्षेत्र है, सूरज डूबने वाला है, शायद मोबाइल में बहुत अच्छे से कवर ना हो, लेकिन आसमान में और वो जो डूबने के समय जो थोड़ा सा रू क्या कह सकते हैं कि एलोइस
और उसके बाद रेडिश कलर होता है सन का और आकाश का, बिल्कुल वैसे है, ऊपर बादल भी है। तो बिल्कुल खूबसूरत जगह है, बहुत सुंदर जगह है। गोलमा महा नंदा जो नदी है उसके बीच में, उसके पास में बसा हुआ एक स्टेशन है और ये रेलवे का पुल और वहाँ का क्षेत्र। तो यहाँ पर हर लिहाज से अच्छा है। आप यहाँ पर अगर आते हैं फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, तो यहाँ पर आप 2-3 घंटे आसानी से, खासकर शाम के समय, क्योंकि खुला है यहाँ पर ज़्यादा, आपको पेड़ पौधे देख सकते हैं कि इधर नहीं है, खुलापन है, बिल्कुल खुलापन है। ये रोशनी दिखाई दे रही है सन सेटिंग की, ये सन सेटिंग की रोशनी दिखाई दे रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। सन अस्त होने को है तो उसकी जो लालिमा वो बहुत खूबसूरत लग रही है। तो ये है महानंदा का वो क्षेत्र जहाँ पर महानंदा बरसात के समय, तो पूरे क्षेत्र में जितना आपको ये खाली दिखाई दे रहा है, पूरा खाली है, पूरा इतने लंबे क्षेत्र में बहती है। बट चूँकि अभी बरसात का समय नहीं है, बारिश का समय नहीं है, तो बिल्कुल छोटी धारा में बह रही है। आवाज़ अगर बहुत ध्यान से आप सुनेंगे तो इसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। थोड़ा सा मैं दूर हूँ, अभी मैं इसके पास में जाऊँगा। तो ये जगह हैं, खूबसूरत जगह हैं। जब भी मौका मिलता है तो हम यहाँ पर आते हैं, टहलते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते हैं, समय बिताते हैं, अच्छा लगता है। आपको भी जब मौका मिले तो आइए, थोड़ा समय बिताइए, अच्छा लगेगा।